और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां भगोड़े अमृतपाल सिंह को पकड़ लिया गया है। खबरों के मुताबिक अमृतपाल सिंह को मोगा से पकड़ा गया है। अजनाला कांड के बाद से ही अमृतपाल फरार था और अब खबर ये आ रही है कि अमृतपाल सिंह पुलिस के शिकंजे में आ गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी पंजाब से जो आ रही है, जहां पर भगोड़े अमृतपाल सिंह को पकड़ लिया गया है। खबरों के मुताबिक अमृतपाल सिंह को मोगा से पकड़ा गया है। अजनाला कांड के बाद से ही अमृतपाल फरार था, जिसको आज पकड़ लिया गया है। तो अमृतपाल ने देर रात पुलिस के साथ तो आपको बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि 18 मार्च से लगातार उसकी तलाश की जा रही थी और अपने गांव जल्लूपुरा खेरा से वो फरार हुआ था, जिसके बाद मोगा से ही वो दूसरी गाड़ी में भाग गया था। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, क्या अपडेट है? ये देखिए, अभी की सबसे बड़ी खबर है कि पंजाब पुलिस ने औपचारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि अमृतपाल, जो कि लगातार भागा हुआ था और उसकी धरपकड़ के लिए कई अलग अलग राज्यों में ऑपरेशन किया जा रहा था पंजाब पुलिस के द्वारा, अब तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर आ रही है, अमृतपाल सिंह को पकड़ लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि करीब 36 दिन से उसकी तलाश की जा रही थी, 18 मार्च से लगातार उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। 18 मार्च को वो अपने गांव झल्लूपुर खेरा से, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में जो है, वहां से सुबह निकला था, जिसके बाद उसने मर्सिडीज जिस गाड़ी में सवार था उसे चेंज करते हुए, देखिए जो ब्रेजा कार थी, मोगा से ये ब्रेजा कार में बैठकर सवार हुआ था, फिर इस कार को छोड़कर ये बाइक से आगे भाग गया था। तो 18 मार्च से लगातार पुलिस इसके पीछे थी, पुलिस को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बार फिर से मोगा में ही बताया जा रहा है उसे गिरफ्तार किया गया है। तो 18 मार्च को यह भागा था, जिसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश करती रही। उसके बाद 19 मार्च को अमृतपाल और पर्पलप्रीत लोग, इसके एक लड़की है जिसके घर पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने शरण ली थी, जिसके बाद धीरे 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 वो अलग अलग ठिकाना बदलते रहे। ठीक है, मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अमृतपाल को पकड़ लिया गया है, क्या अपडेट आ रही है अब? गौनिका, जो हमें जानकारी मिली है उसमें मोगा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और पंजाब पुलिस ने औपचारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि अमृतपाल, जिसकी धरपकड़ के लिए कई जगहों पर ऑपरेशन किया जा रहा था, कई जगहों पर कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द अमृतपाल की गिरफ्तारी की जाए, उसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। और औपचारिक तौर पर अर्पित शुक्ला, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने इंडिया टीवी को इस बात को कंफर्म किया है कि इस समय अमृतपाल पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। दरअसल जिस तरीके से धरपकड़ की जा रही थी पंजाब पुलिस के द्वारा अमृतपाल के सभी गुर्गों की, और उसमें अलग अलग एजेंसीज की मदद ली जा रही थी, लेकिन ये ट्रेस करना बेहद मुश्किल हो रहा था कि अमृतपाल अभी कहां पर है, किस जगह पर उसकी लोकेशन है, लेकिन उसे लोकेट करना बहुत जरूरी था। और इसी वजह से पंजाब पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार एजेंसीज के संपर्क में थी और बैकलॉग डेटा खंगाला गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें टेक्निकल सर्विलेंस की मदद ली गई, टेक्निकल सर्विलेंस के द्वारा ही अमृतपाल की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। जो अमृतपाल के जितने भी करीबी हैं, जिसमें उनके चाचा हरजीत, जो कि दुबई बेस्ड थे लेकिन वो उनके साथ हमेशा साथ रहते थे, उसकी भी गिरफ्तारी हुई और फिर उसके बाद ये एक सीक्वेंस के हिसाब से धरपकड़ की जाने लगी। जितने भी क्लोज एसोसिएट थे, जब फोटो आने लगी, सीसीटीवी फुटेज आने लगी, उसके बाद ये कोशिश की जाने लगी कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी होने के साथ साथ ये कोशिश की जाने लगी कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के साथ जो उसके जितने भी आसपास के लोग हैं जिनके पास वेपन्स हैं, कुल मिला के 25 वेपन्स, जिसमें 315 बोर, 312 बोर के अलग अलग वेपन शामिल हैं, उनको भी रिकवर किया गया था। 36 दिन की चेस के बाद आखिरकार पकड़ा गया है अमृतपाल सिंह। इसको लेकर लगातार जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।